हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्लांट एडेप्टेशंस के बारे में कि ये प्लांट एडेप्टेशंस होते क्या हैं। अलग अलग प्लांट अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग वेदर में, अलग कंडीशंस में रहते हैं, तो उसके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लांट एडेप्टेशंस होते क्या हैं। प्लांट एडेप्टेशन इज ए फेनोमेना इन विच प्लांट्स डेवलप यूनिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स दैट अलाउ देम टू सक्सेसफुली लिव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट। तो वो प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं और उसके हिसाब से वो अडेप्ट कर लेते हैं, तो प्लांट एडेप्टेशंस कहते हैं। ऐसा कि कुछ प्लांट्स सूटेबल हैं ड्राई एरियाज में रहने के लिए, कुछ सूटेबल हैं वेट एरियाज में रहने के लिए, कुछ सूटेबल हैं बॉथ के लिए, या कुछ हैं दूसरे एरियाज में रहने के लिए। तो अलग अलग एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज़ेरोफाइट्स। ये ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? तो प्लांट्स अडॉप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट इज कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स का एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम पानी में भी, वो कम पानी अवेलेबल होने पर भी वो रह सकता है, राइट। तो इस टाइप के प्लांट्स जो बहुत कम पानी में या ड्राई लैंड में, राजस्थान में या ऑस्ट्रेलिया में या सहारा के अफ्रीका में, तो वहाँ पर अगर वो रहते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं उसको हम ज़ेरोफाइट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स प्लांट्स विच रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जिनको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको हम मेसोफाइट्स बोलते हैं। उनके लिए एग्जांपल है टेम्परेट मेडो प्लांट्स, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं तो उनमें जो सारे प्लांट्स उगते हैं उसको हम मेसोफाइट्स कह सकते हैं। उसके बाद क्या है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? तो प्लांट्स विच ग्रोज इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पानी में ही उगते हैं, हाँ वो पानी में ही रहते हैं, पानी से उनको निकाल दिया जाए तो वो डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रोपोफाइट्स। ट्रोपोफाइट्स क्या होते हैं? तो प्लांट्स विच एक्ट एज ए हाइड्रोफाइट इन वन सीजन एंड ज़ेरोफाइट इन अनदर सीजन। लाइक एग्जाम्पल इज पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल जो है अपने आप को चेंज कर लेते हैं सीजन के हिसाब से। एक सीजन में वो हाइड्रोफाइट हो जाते हैं तो दूसरे सीजन में वो ज़ेरोफाइट हो जाते हैं। बहुत अच्छा एडेप्टेशन है सीजन के हिसाब से। पाइनएप्पल का प्लांट जो है, पाइनएप्पल फ्रूट आपने खाया होगा, ईस्ट इंडिया में ज़्यादा मिलता है, असम बिहार बंगाल में, तो ये ट्रोपोफाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच ग्रोज इन सलीन इन्वायरमेंट, जो सॉल्टी लैंड है, सॉल्टी वाटर वाला एरिया है जहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। जैसा कि पाम, डेट पाम, खजूर के जो पेड़ होते हैं वो हेलोफाइट्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच लिव इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं उनमें जो प्लांट्स रहते हैं या उगते हैं उसको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल मशरूम, फंगी वगैरह। फंगी प्लांट नहीं है, मशरूम प्लांट है, तो फंगी भी उगते हैं, तो पॉपुलरली बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का। नेक्स्ट है ज़ूफाइट्स। ज़ूफाइट्स क्या होते हैं? विच रिजेंबल्स ए प्लांट एन एनिमल। ये हैं एनिमल हैं लेकिन वो प्लांट के जैसा दिखते हैं, उसे ज़ूफाइट्स कहते हैं। जैसे कि कोरल पॉलिप्स, स्पॉन्जेस एक्सेट्रा। कोरल पॉलिप्स, हाँ कोरल रीफ्स में मिलते हैं, जो दिखते हैं ऐसा कि वो प्लांट्स हैं लेकिन एक्चुअली वो प्लांट्स नहीं होते हैं, वो होते हैं एनिमल। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली ये आपके काम का होगा। थैंक यू वेरी मच।